अभी हमारी गाड़ी फंस चुकी है यहाँ पर कलेसर के जंगल में। तो भैया यहाँ पर फंस चुके हैं, आप आवाज़ सुनना, उस साइड से कहीं से आवाज़ आ रही है, कुछ सुनिए, बिल्कुल शांत रहते हैं। पर ये देखो एक और खड्डा, बारिश हुई है बेसिकली। ग्यारह हजार 570 एकड़ में बना है ये कलेसर नेशनल पार्क। जंगल के बीचों बीच जहाँ पर कभी भी चीता आ सकता है, हाथी आ सकता है। हम लोग जा रहे हैं कलेसर नेशनल पार्क को शूट करने के लिए, और बेसिकली ये प्रोजेक्ट है और इसको शूट भी करेंगे और साथ साथ एंजॉय करेंगे। देखते हैं आज किन जानवर से टकराव होता है हमारा, या किन को हम देख पाते हैं, वो सारी चीज़ें। या फिर गाड़ी निकल चुकी है। सर का नाम, सर आपका नाम? कुलदीप सिंह। अरे वाह सर, तो पूरे एक्टर लगते हैं बेसिकली। और ये यहाँ के रेंजर हैं, बेसिकली नेशनल पार्क के रेंजर हैं और पूरा पार्क का देखभाल करते हैं यहाँ पर, और बड़ी सख्त ड्यूटी होगी सर की। क्यों सर? भैया आज जा रहे हैं, देखते हैं कि वहाँ का नज़ारा, वहाँ का मंजर कैसा रहता है, और जो जो मैं देखूँगा वो आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। तो बेसिकली जाने लगे हैं अंदर। तो डेंस जंगल सर, कितना बड़ा सर? 11,570 एकड़। कितना बड़ा, आप पूरा घूमे हो? तो क्या क्या, कौन कौन से जानवर होते हैं अंदर? जानवर यहाँ पे है चित्तल, सांबर, जंगली सुअर, पैंथर, हाथी, ये मेन। बेसिकली गाड़ी में ही सफारी होती है? हाँ गाड़ी में सफारी होती है। चलिए भैया सफारी करने को तैयार हैं, तो सफारी के लिए आप सब भी तैयार हैं, तो चलिए करते हैं सफारी एंड लेट्स गो। तो ये भैया पूरा डेंस फॉरेस्ट है और ये बहुत बड़ा जंगल है, और रास्ता सारा बना हुआ है सर? नहीं, ये रास्ता 6 किलोमीटर, 6 किलोमीटर का। और 6 किलोमीटर में कोई दिख गया तो दिख गया है ना, अंदर नहीं जा सकते हम लोग, अंदर जान को खतरा है, राइट? और गाड़ी में ही जाते हैं तो 6 किलोमीटर तक ही जाती है आगे। और गाड़ी में पैदल नहीं जाते? हमारा पैदल का है, मोटरसाइकिल का है। अच्छा, मतलब जो टूरिस्ट है उनको पैदल जाने की नहीं, नहीं। तो भैया ये जंगल जा रहे हैं, अभी देखते हैं कुछ कोई मिलता है। 6 किलोमीटर का ये रास्ता है, ये 6 किलोमीटर का है, उसके बाद ये ख़त्म हो जाएगा। इस साइड भी नहीं जा सकते ना, इस साइड जा सकते हैं क्योंकि अंदर खतरनाक जानवर भी मिल सकते हैं और पैदल जाने की अनुमति नहीं है। और आई डोंट नो कौन सा जानवर टकराता है आज। तो ये अनकट वीडियो दिखा रहे हैं आपको कलेसर जंगल की। और ये देखिए भैया, और यहाँ पर तो 4x4 ही चलती होगी। हाँ सर, लेकिन ये नहीं आया ना, ये नहीं है। पर ये देखो एक और खड्डा, बारिश हुई है बेसिकली। मजा आ गया सर। तो ये ऑफ रोडिंग हो रही है पूरी की पूरी, कहां पर, कलेसर जंगल में। तो मजा आ रहा है ना आपको देखने का, और मैं भी अनकट दिखा रहा हूँ 6 किलोमीटर। देखते हैं कुछ दिखता है हमें या नहीं दिखता। ये भी रास्ता जा रहे हैं। फायर लाइन बोले तो? फायर लाइन है, जंगल है ना, उसको उसमें आग लग गई जैसे कहीं गर्मियों में, तो इसको हम गर्मियों पूरी तरह से साफ रखते हैं, और इस हिस्से में आग लगी तो इसको यहीं कंट्रोल कर लेंगे, आगे नहीं जाएगी। तो भैया ये कलेसर जंगल, और ये यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान में आपका स्वागत है। नेशनल पार्क कलेसर में वन्य प्राणियों का शिकार करना व उनके रहने के स्थान को खराब करना, नष्ट करना, राष्ट्रीय उद्यान में लकड़ी काटना, पशु चराना वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत अपराध है। मानने वाले को 7 साल की सज़ा व 25,000 रुपये जुर्माना। तो ये नोटिफिकेशन लगा रखी है, और ये अमित भाई यहाँ पर शॉट ले रहे हैं, और ये थोड़ा सिनेमेटिक पेड़ है। अच्छा, यहाँ से आगे बैठ रहे हैं और मैं पीछे बैठ रहा हूँ, और पीछे से शॉट लेने की कोशिश करेंगे।
तो पूरे हिस्से को चार फायर लाइंस में डिवाइड किया गया, यानी कि अगर बाई चांस अगर यहाँ पर किसी भी एक हिस्से में बाई चांस, अब ऐसे तो लगेगी नहीं, अगर लग जाए तो एक हिस्सा दूसरे हिस्से से कटा होगा। तो इस तरह ये वन विभाग ने इस तरह से प्लानिंग की हुई है। तो पूरा का पूरा कलेसर जंगल, और यहाँ पर बहुत सारे जानवर हैं लेकिन वो अंदर कहीं होंगे अभी फिलहाल, क्योंकि रात को बारिश हुई है तो अपने अपने यहाँ पर इन्होंने घर बनाए होंगे, उसके आसपास ही होंगे। कितने एकड़ है सर, एक बार फिर से बता दीजिए। 11,570 11,570 एकड़ में बना है ये क्लेसर नेशनल पार्क, और यहाँ पर पूरी एडवेंचर सफारी करने का मज़ा ही कुछ और है। तो आगे का रास्ता आई थिंक बंद है, यानी कि कल रात को बारिश पड़ी है और ये पेड़ टूट के गिरा हुआ है। तो ये ऑफ रोडिंग, अरे बाप रे, ऑफ रोडिंग पूरी तरह से ऑफ रोडिंग हो रही है। तो भैया ये गाड़ी फंस चुकी है क्योंकि यहाँ पर पेड़ टूटा हुआ था, थोड़ी ऑफ रोडिंग करने की कोशिश की है और ये पीछे को धक्का लगाना पड़ेगा। तो अभी हमारी गाड़ी फंस चुकी है यहाँ पर कलेसर के जंगल में, क्योंकि कल रात को बड़ी तेज़ी से बारिश हुई थी और उसके कारण ये पेड़ टूटा हुआ था। थोड़ा सा ऑफ रोडिंग करने की कोशिश की थी लेकिन अब गाड़ी फंस चुकी है, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर फ़ोन का नेटवर्क नहीं है, किसी को बुला नहीं सकते, गाड़ी पीछे ले नहीं सकते क्योंकि जंगल के बीचों बीच हम लोग हैं। ये देखिए चारों तरफ, तो ये चारों तरफ जंगल है, उसके बीचों बीच हम हैं। तो लेट्स सी ये गाड़ी यहाँ से निकल पाती है या नहीं निकल पाती, बट अल्टीमेटली हम लोग यहाँ पर ट्रैप हो चुके हैं। वी आर ट्रैप्ड इन कलेसर जंगल। तो ये रही अपनी गाड़ी, ये फंस चुकी है और फाइनली वी आर ट्रैप्ड, और जो भैया अपने साथ थे वो बाहर गेट तक पैदल जाएंगे, किसी को फ़ोन करेंगे मदद के लिए, उसके बाद मदद आएगी, उसके बाद आगे जाएंगे पीछे जाएंगे वो सर बताएंगे। तो बात ऐसी है कि सर का बेसिकली यहाँ पर सिग्नल आ गया है और तकरीबन 30 से ऊपर मिनट हो चुके हैं और इंतज़ार है भैया किसी के आने का। कोई तो आ जाओ, हमें ले जाओ यहाँ से छुड़ा के, जंगल बहुत भारी है भाई, पहली बार आए हैं। सो लेट्स सी कौन आता है यहाँ पर हम लोगों को ले जाने के लिए। बट ये कलेसर नेशनल पार्क का जो ये सफारी का सफ़र है और शूट का सफ़र है, बेसिकली क्या है, हम शूटर्स बेसिकली शूट करते करते इन्जॉय भी करते हैं, बेसिकली नई नई जगहें देखने को मिलती है, बट ये एडवेंचरस ट्रिप हमेशा के लिए याद रहेगा कि जंगल के बीचों बीच जहाँ पर कभी भी चीता आ सकता है, हाथी आ सकता है, बेसिकली हाथी से ज़्यादा डरने की ज़रूरत है, बिकॉज जो सर ने बताया कि चीता अगर आ जाए तो स्टे ऐसे करके खड़े रहेंगे, अगर हाथी आ जाए तो वो तो पड़ जाएगा भैया। सो फाइनली मदद आ चुकी है, तकरीबन 1.5 घंटे के आसपास वेट करने के बाद बाइक वाले आ गए और अब ट्रैक्टर आ चुका है और फाइनली अब हमें इस जंगल से निकाला जाएगा। तो फाइनली रास्ता खुल चुका है और अगेन सवारी नेशनल पार्क की। तो बड़ा एडवेंचरस ट्रिप जा रहा है, आई होप आप लोग भी एंजॉय कर रहे हैं इस ट्रिप को। ये एक और पेड़ कटा हुआ था, तो टूटा हुआ पेड़ सड़क पे था और काफी भारी था और वो पेड़ को हिला नहीं सकते थे, काटना ही पड़ेगा, लेकिन काटना लंबा काम है तो इसलिए अब वापसी की ओर। तो बड़ा ही एडवेंचरस ट्रिप जा रहा है, बेसिकली हम लोग अंदर तक नहीं जा पाए बिकॉज पेड़ टूटे हुए थे, बारिशें पड़ी हैं अभी, सबको मालूम है, तो जा नहीं पाए। बट तो ये कलेसर का ये लास्ट शॉट लेने के लिए हम इस टॉवर के ऊपर चढ़ने लगे हैं।
तो भैया ये है कलेसर जंगल का ये आखिरी पॉइंट और ये व्यू पॉइंट से ऐसा दिखता है। तो आज का व्लॉग यहीं पर खत्म करते हैं। आपको ये कलेसर नेशनल पार्क का ये छोटा सा ट्रिप कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। बैटरी जीरो हो चुकी है। बाय बाय, अगले एक और ब्लॉग में मिलेंगे।